नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG यूपी जल निगम और एसएल इंफ्रा के बीच नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर आज एक त्रिपक्षीय समझौते पर साइन किया गया। इस प्रोजेक्ट पर कुल 153 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी। प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तीनों पार्टनर्स की होगी। वहीं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC इस प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की भूमिका निभाएगा। ये पहली बार है जब सीवरेज प्लांट के लिए PPP आधार पर सालाना हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा रहा है। कि हमारे कमल माहेश्वरी जो एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर के MD हैं, उनने सुभाष गोयल जी के तरफ से मुझे पहले ये किया है कि वाराणसी के घाट का काम वो करना चाहते हैं और इस काम के लिए जितना पैसा लगेगा वो उनके तरफ से खर्चा करेंगे और पहली ऑफर उनने दी है। मैं सुभाष चंद्र जो GTV के और एसएल उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। एक महान कार्य है तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के इंस्ट्रक्शन पे हमने ये तय किया था कि हम इसमें अहम भूमिका निभाएंगे और हमने उसी तरीके से काम किया। हमने जो टेक्नोलॉजी इसमें सोर्स करी है वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम इस पर काम करेंगे और ये हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल है जिसपे हम पहले से भी काम करते आ रहे हैं। हमारी इसमें ये है कि भाई हम इसको कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रोजेक्ट करके एक सब्सटेंशियल जिसको कहते हैं काम वो हम करना चाहते हैं इसमें। इसके अलावा हमने सेम टेक्नोलॉजी पे बाकी शहरों में भी जो STP है, सीवेज ट्रीटमेंट है, उसको करके उस पानी को कैसे इंडस्ट्री को दिया जाए उस पर हमने काफ़ी काम किया है। ये मॉडल लेके भी हम बाकी शहरों में जा रहे हैं।